मेरे चैनल दोहा एरोमा को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियोज़ अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। आज मैं यहां पर सूजी का पिज़्ज़ा बनाऊंगी, जो कि मैं अपने वर्जन में बना रही हूं। ये बच्चों और बड़ों को पसंद आएगा, आप भी ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं, देखते हैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब सूजी ली है और 1/2 कप के करीब मैंने दही लिया है। अब मैं सबसे पहले सूजी को एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ, और उसमें दही भी ऐड कर लेते हैं। अब दही को सूजी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और एक थिक बैटर बना लूंगी। सूजी के बैटर को कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फेंटें। और 10 मिनट के लिए ढककर साइड में रख दें, ताकि बैटर सेट हो सके। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर और थोड़ी कैप्सिकम को चॉप करके ले लिया है। अब मैं इसको दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप डालूँगी, थोड़ा सा क्रश ब्लैक पेपर, थोड़ा सा ऑरिगैनो, अगर आपके पास नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। साइड में रखते हैं। अब 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए सूजी का बैटर एकदम थिक हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको अच्छा सा घोल बना लूँगी। बैटर ना तो बहुत ही ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। इसको खूब अच्छे से फेंट लेंगे। अगर आपको बैटर बहुत थिक लगे तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच इनो डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से फेंट लें, एक ही डायरेक्शन में कम से कम 1 मिनट के लिए फेंट लें। अब सूजी का बैटर एकदम तैयार हो चुका है। अब मैं तवे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने नॉनस्टिक का तवा यूज़ किया है। पिज़्ज़ा बनाने के लिए आप नॉनस्टिक तवा ही यूज़ करें। मैं यहाँ पर हल्का सा तेल ब्रश कर रही हूँ, आप चाहे तो ऐसे ही नॉर्मली तेल डाल सकते हैं तवे पर। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बैटर लिया है और इसको हल्के हल्के हाथों से फैला दूँगी। इस तरीके से। अब मैंने जो स्टफिंग बनाई थी मैं इस पर थोड़ा सा रखूँगी। अब थोड़ा सा बैटर और ले लें और इस तरीके से स्टफिंग के ऊपर बैटर डाल दें, बहुत थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं।
मैं थोड़ा सा तेल और ब्रश कर ले रही हूँ और थोड़ा सा बैटर के ऊपर डाल देती हूँ। अब तवे को ढक देते हैं और धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि पिज़्ज़ा थोड़ा सा नीचे से पक चुका है और ऊपर से भी हल्का हल्का पक चुका है। अब मैं क्या करूँगी, धीरे से स्पून की हेल्प से साइड करूँगी पिज़्ज़े को और हल्का सा तेल और ब्रश करूँगी ताकि अगर मैं जब पलटूँ तो पिज़्ज़ा चिपके नहीं। आप चाहे तो चम्मच से भी तेल ऐसे डाल सकते हैं। अब एक हाथ में मैंने चाकू लिया है और दूसरे हाथ में मैंने चम्मच लिया है और इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथ से मैं ध्यान से पलट रही हूँ। अब इसको फिर से ढक दें और 1 मिनट के लिए पकने दें ताकि नीचे पिज़्ज़ा पक सके। अब 1 मिनट के बाद मैं पिज़्ज़ा को पलटूंगी। ये देखिए नीचे से भी पिज़्ज़ा अच्छे से पक चुका है। एक मिनट के लिए मैंने दोनों तरफ से और पका लिया। अब मेरा रवा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए आप दोनों तरफ से सिक चुका है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। आप भी ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जो कि दोहा अरोमा के नाम से है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।